तो क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 8 बनानास फ्रूट सेलर गेन्स अ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो फ्रूट सेलर है, वो कितने बनाना बेच रहा है, 8 बनाना बेच रहा है, और वो गेन करता है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना। तो देखिए गेन कर रहा है यहाँ पर, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि वो 8 बनानास बेच रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है, प्रॉफिट जो है वो 1 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, SP ऑफ 1, ठीक है। तो SP कितने यहाँ पर कितने बेच रहा है, 8 बनाना बेच रहा है, तो जो बेच रहा है तो खरीदे भी उसने 8 ही होंगे, ठीक है। प्रॉफिट भी होता क्या है, जितने बेचे और जितने खरीदे उनका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये SP वाले एक तरफ ले लेंगे, CP एक तरफ ले लेंगे, तो ये माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 8 CP हो जाएगा, ये 1 CP, 1 SP इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 8 SP माइनस 1 SP, तो ये हो जाएगा 7 SP, ठीक है। तो अब देखिए SP और CP का रेशियो निकाल लेंगे इससे, तो वो हो जाएगा ये वाला 7 इधर नीचे आ जाएगा और ये वाला 8 तो इधर ही है, ठीक है। CP ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको और इसको अगर देखते हैं तो 7 नीचे आ जाएगा और CP इधर नीचे आ जाएगा, तो SP और CP का रेशियो ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन इतने में हमारा ये बदल गया है कि SP की वैल्यू हमारी 8 हो गई, CP की 7 हो गई, तो अभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना आसान होता है। तो इसमें देखिए डिफरेंस कितने का है, वही प्रॉफिट होता है, तो 1 का डिफरेंस है, और किस पर, CP पे निकालते हैं तो 7, ठीक है। तो इसका 1/7 जो हमारी फ्रैक्शन होती है, इसका डायरेक्टली अगर आपको याद होगा तो वही आंसर आता है, 14 2/7, इतना परसेंट आता है। इसको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके कर भी सकते हैं इसे परसेंट में कन्वर्ट, तो ये यही आने वाला है, 14 7 98 होता है और 2 बचते हैं, ठीक है, तो यही आने वाला है इससे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा वीडियो यही खत्म होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख के आप दे सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो AES PRT का सैंपल पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, उसको आप दीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी PPT डाउनलोड करनी है तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली क्लासेस के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।